अभी सिक्स शेड्यूल जो 124 अमेंडमेंट बिल विंटर सीजन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करके पास होने वाला बोल के जानकारी का बाद साथ साथ हम लोग इसका ऊपर में अच्छा से स्टडी किया, स्टडी करके जहाँ जहाँ डिफेक्ट मिला है वो डिफेक्ट को हम लोग सुधारने के लिए मांग कर रहा है। हम लोग इसका ऊपर में मेमोरेंडम दिया है और हम लोग बहुत मोबिलाइज भी किया, पब्लिक का पास में भी गया है। तो अभी जो सबसे बड़ा डिफेक्ट जो देखा है तो वो हो गया, तो पंचायती राज हम लोग का इधर में इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब विलेज काउंसिल करेगा। विलेज काउंसिल में वोटर होगा नॉन ट्राइबल लोग, ट्राइबल लोग का साथ में, और नॉन ट्राइबल लोग वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहेगा, वो लोग इन इन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहेगा, मतलब वो लोग भी लीडर होगा। तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का बराबर इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट्स हो जाएगा। और हम लोग को लैंड का ऊपर में अभी जो ज़्यादा करके ट्राइबल लोग के लिए पावर है वो भी खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ में बड़ो बड़ो इंडस्ट्री बैठेगा और इंडस्ट्री बैठे के यहाँ का आदमी लोग जो गांव वाला लोग है वो लोग बैठने का जगह नहीं मिलेगा, भागने लगेगा, स्लम ड्वेलर्स का साथ में शामिल होने लगेगा। तो ये हाल हम लोग बर्दाश्त करने नहीं सकता, इसलिए इसको रिफिल करने के लिए हम लोग का मांग है। और ये सब जो हम लोग का डिफेक्ट जो है प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल में, इसको यदि कुछ नहीं करेगा गवर्नमेंट की तरफ से तो हम लोग को नेक्स्ट प्रोग्राम है बोरो करके हम लोग सब एपेक्स बूथ का आदमी लोग सब एक साथ करके एजुकेशन करने के लिए हम लोग कंपेल हो सकता है। इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट का ही हम लोग रिस्पॉन्सिबल होगा बोल के हम लोग सोचता है। सिक्स शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन कमिटी दिमा हासाओ स्ट्रेस ऑन द ओमिशन ऑफ सम डिफेक्ट इन द प्रपोज ड्राफ्ट सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल 123rd बिल 2015 विद इंसर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोविजंस। इन दिस रिगार्ड SSIC submit several memoranda to the concerned authorities, even members of SSIC and apex bodies belonging to different tribe communities met MP Brian Singh Engti, asking Mr. Engti to raise his voice in the parliament for the same. बहुत कुछ है यहाँ में, लेकिन हम लोग ये यहाँ 23rd amendment bill के बारे में ए कमिंग या सेशन में अगर सिक्स शेड्यूल के बारे में कुछ नहीं रिजल्ट निकला तब तो हम लोग का जितना ट्राइबल एपेक्स बॉडी है सब मिल के हम लोग फर्दर एजुकेशन प्रोग्राम बनाएगा, बल्कि हम आप लोग को सबको जनाया और सबको हम लोग एक साथ खड़ा के यही हम लोग का सिक्स शेड्यूल ड्राफ्ट अमेंडमेंट प्रोसेस तो हम लोग प्रोटेक्ट करना है बोल के सबको हम गाँव से हूँ। आज के सामने सब नमस्ते देते हुए मैं यही बताना चाहता हूँ, जो प्रपोज 123 अमेंडमेंट बिल 2015 जो अभी बिल आने वाला है उसमें देखा गया, जो इसमें बहुत कुछ हमारे NC Hill सिक्स शेड्यूल ट्राइबल जो अपना कस्टम ट्रेडिशन जो प्रिजर्व करने का जो है राइट उसमें कितना थू उसमें एक बिल में हम लोग का कट ऑफ हो जाता है, हम लोग का ये कर देता है। और इसमें कुछ लैंड राइट का भी हम लोग का छूट जाता है, अगर ये छूट जाएगा तो हम लोग का बहुत यहाँ का जनजाति लोग के लिए बहुत असुविधा होगा फ्यूचर में। तो इसके लिए हम लोग उसका अपोज करता है। जो बिल में सब कुछ ठीक है ये तो ठीक नहीं है, ये तो नहीं बताता, ठीक भी है लेकिन कुछ कुछ बहुत सारा कुछ छूट गया,
ये छूट गया, इसको हम लोग मांग करता है जो उसको देखिए, विचार रिविचार करिए, रिकंसिडर करिए, देखिए, उसको हम लोग सरकार को जनाता है जनाने के लिए। हम लोग आपको आपका थ्रू से हम लोग आज इस शाम में बैठा है। अगर हम लोग का जो मांग जो है उसको सरकार क्या देखता है, ये रिजल्ट अगर कुछ रिजल्ट नहीं आएगा तो डेमोक्रेटिकली जो हम लोग को आगे बढ़ना है, आगे क्या करना है, वो तो डेमोक्रेटिकली तो आगे बढ़ते ही जाएगा। बस इतना ही मेरा कहना है। हम लोग बाहर भारत का नागरिक होने का नाते में सिख शेड्यूल जो है उठाने के लिए, सिख शेड्यूल का अबोलिश करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन 123rd अमेंडमेंट बिल 2015 में जो पास किया है, उसको हम लोग टोटली हम लोग उसको टैकल करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि हम लोग भारत का नागरिक होने के नाते में हम लोग सब एरियन और ट्राइबल मंगोलियन एक समान नहीं होता, इसलिए हम लोग का ट्राइबल का जो आइडेंटिटी उठा के हम लोग पंचायती राज में हम लोग बैठने को दिल नहीं है और बैठेगा भी नहीं। इसी के लिए हम लोग को डिफरेंस टाइप दिमा हसौ का अंदर में भीतर में जितना जो नागरिक है हम लोग टोटली प्रोटेस्ट करेंगे और करते भी जाएंगे। और इसका प्रोटेस्ट में सिक्स शेड्यूल जो अबोलिश करने के लिए पार्लियामेंट बिल पास हुआ है 2015 का जो है, विड्रॉ नहीं करेगा, हम लोग मरते दम तक हम लोग उसका आपत्ति करने के लिए राजी है। इसलिए आज शाम में आज इसी मौका में हम लोग का दिमाग हसौ का जो ट्राइबल का तरफ से जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो एपेक्स बॉडी लोग है, हम लोग आज में इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि हम लोग मरते दम तक हम लोग लड़ेंगे बोल के।